नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम, आप देख रहे हैं फ्लेक्सीट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे ये बिटकॉइन वर्क करता है, असल में होता क्या है बिटकॉइन, ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा। नॉर्मली बिटकॉइन जो है, आपको ये पता है क्या है, मैक्सिमम लोगों को पता है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि बिटकॉइन वर्क कैसे करता है और कैसे इससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। आपको पता है मैं हर चीज़ की जानकारी जो है डिटेल में आपको बताता हूँ, पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ इस चीज़ के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे वीडियो पूछा, पर शुरुआत में मैंने ये सोचा कि वीडियो बना तो दूंगा, सबको ये चीज़ पता है ऑलरेडी, क्योंकि मैं लेट डाल रहा हूँ, लेकिन फिर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना जारी रखा। लेकिन मैं आपको अब डिटेल्स जो दूंगा वो थोड़ी ज़्यादा होंगी, इसके बाद आप कभी भी ये डाउट नहीं रखेंगे कि आप बिटकॉइन को पूरी तरह से नहीं समझते, 100% जानकारी होगी पूरी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप कहीं लेके नहीं जा सकते। ये एक इंटरनेट में स्टोर होने वाली एक करेंसी है जिसे आप हर जगह खर्च कर सकते हैं और हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के टाइम पे हर कोई बिटकॉइन एक्सेप्ट करने लगा है। बिटकॉइन के फाउंडर का नाम सतोशी नाकामोटो है। इन्होंने बिटकॉइन को फाउंड किया, इन्होंने बिटकॉइन को बनाया। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल अनलिमिटेड बिटकॉइंस नहीं है, मार्केट में सिर्फ 22 मिलियन बिटकॉइंस ही अवेलेबल हैं जिन्हें हम बाय या फिर सेल कर सकते हैं। ये लिमिटेड रखे गए हैं ताकि बिटकॉइंस आगे चल के इनकी वैल्यू खत्म ना हो जाए, ये हर समय बढ़े। क्योंकि लिमिटेड होंगे, लोग इनकी डिमांड में रहेंगे, तो इनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। तो ये तो हो गए बिटकॉइन की बात। बिटकॉइन को आप स्टोर कर सकते हैं अपने अकाउंट में, इसके ऊपर नीचे कोई नहीं है। मान के चलिए आप कहीं दूसरे देश जाते हैं तो आपको अकाउंट से पैसे निकालने हैं और आपको कई सारी प्रकार की जानकारी भी देनी पड़ती है, निकालने पड़ते हैं, अकाउंट फ्रीज होने का डर होता है। बिटकॉइन में ऐसा कोई भी खतरा नहीं है, ये पूर्णतः आपकी ही करेंसी है, आपका खुद का पैसा है। इसे कोई भी थर्ड पार्टी या फिर कोई भी बड़ी कंपनी आपसे छीन नहीं सकती है। ये इंटरनेट में स्टोर होने वाली एक ऐसी करेंसी है जिसे कोई नहीं जानता कि कब इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है इसे खरीदते कैसे हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने वाला हूँ। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना या फिर उसको खरीदना या फिर कैसे उसे बढ़ाना, इसमें मेरा ओपिनियन क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने वाला हूँ। इसके बाद सबसे जो मेन जानकारी है वो मैं अब आपको बताऊंगा, बिटकॉइन बढ़ना और घटना, इस दौरान लोग पैसे कैसे कमाते हैं। मान के चलिए आज जो बिटकॉइन की कीमत है वो 6,06,000 है। आज से लगभग 5 महीने पहले बिटकॉइन सिर्फ 4 लाख पे टच हुआ था, तो लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा खरीद लिया था। उसके पहले अगर हम 2 साल पहले जाएं तो 2 साल पहले इसकी वैल्यू शायद 1 या 1.5 लाख रुपये थी। 2009 में जब बिटकॉइन निकला था तब इसकी कीमत मात्र 1,500 से भी कम थी। उस समय और आज के इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बिटकॉइन की कीमत में आज लाखों का अंतर है। तो यहां जब हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो बिटकॉइन की सबसे बड़ी एक बात बताता हूं, मैं अपनी एक बात बताता हूं आपको। आज से 2 महीने पहले मैंने बिटकॉइन खरीदा था 0.02 मात्र 4,000 रुपए में, और बिटकॉइन बहुत जल्दी बढ़ने लगा। मैंने सोचा इसे बढ़ने दो, बाद में इसे सर कर दूंगा। बढ़ने के बाद बिटकॉइन ऑटोमेटिक नीचे आने लगा। नीचे आते ही मैंने उसे बेच दिया। मैंने 4,000 रुपए के बिटकॉइन लिए थे 0.02 सेंट, मतलब 2 पैसे सिर्फ, और जब मैंने उन्हें सेल किया तो सिर्फ और जब मैंने उन्हें सेल किया तो वो 4,600 रुपए के बिके, मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ। आज 2 महीने हो गए हैं, आज मैंने वही दो सेंट फिर से खरीदे हैं, आज उनकी कीमत 22,000 रुपये है। अब मुझे इस चीज़ का पछतावा हुआ, काश मैं उस दिन अगर आज ये बिटकॉइन रखता तो आज मेरे पास 22,000 रुपीस होते। तो ये एक मेरे से गलती हो गई, पर इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ये एक रिस्क है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, लेकिन आज घटा है तो कल फिर से बढ़ेगा। तो आपको जस्ट वेट करना है अपनी वैल्यू के लिए, कितने में आप सेल करना चाहते हैं। इसके बढ़ने और घटने पे और कैसे इसको अर्न कर सकते हैं इसे लाखों पैसा,
तो देखिए होता क्या है, आज मान के चलिए 6,06,000 का एक बिटकॉइन मिल रहा है, मतलब ये इसकी वैल्यू हो गई आज की। कुछ इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पूरे बिटकॉइन को खेलते हैं। मान के चलिए 100-200 इन्वेस्टर्स हैं जिनका टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। जैसे ही वो लोग बिटकॉइन को खरीदते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, बिटकॉइन ऊपर जाने लगता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। जैसे ही बढ़ते बिटकॉइन को देखते हैं, छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हजारों या लाखों में जो खरीदते हैं, वो भी उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। अब बिटकॉइन की कीमत जो थी 6 से 7-8 लाख हो गई, 7 लाख हो गई, हम 7 पकड़ लेते हैं। उनने उसको अपनी वैल्यू से बढ़ा लिया, उनने 6 का लिया था, आज उनका बिटकॉइन 7 का हो गया है। उनने कम से कम 4-4, 5-5 बिटकॉइन खरीदे, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। आज जो उन्हें 6 लाख का खरीदा था, 2 महीने बाद वो बढ़ के 7 हो गया, और छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनने भी उनका देखा देखी में खरीद लिया कि हमारे भी पैसे बढ़ेंगे। एक साथ जैसे ही वो 7 क्रॉस करता है, उनका टारगेट रीच करता है बड़े इन्वेस्टर्स का, वो सारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही वो पैसा अपना सारा विड्रॉ करते हैं या बिटकॉइन सेल कर देते हैं, जैसे ही बिटकॉइन की सेलिंग बढ़ जाती है, बिटकॉइन फिर से अपने पुराने रेट पे आ जाता है, और पुराने रेट से और थोड़ा नीचे आ जाता है जहां पे वो नहीं था, और छोटे इन्वेस्टर्स को घाटा हो जाता है। जैसे ही उसकी बाइंग वॉल बढ़ती है, बिटकॉइन अपने रेट से बढ़ जाता है। ये पूरा जो खेल है बिटकॉइंस का, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब हम लोग बिटकॉइन के भी ट्यूटोरियल को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, और कैसे इसे खरीदते हैं, कितने रुपए का खरीद सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइंस के बारे में। तो आप मुझे बताइए क्या ये टॉपिक सही है, और आप लोग क्या सच्ची में ये चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको इसमें डिटेल में जानकारी देते रहूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितनी जानकारी दी है उतनी आपको काम में तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितनी जानकारी आपको दी है वो आपको लग रहा है कि ओके है। और अगर आपको सच में पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक कमेंट मुझे चाहिए आपका। और अगर आपको लगता है ये जानकारी सही है और आप आगे भी ये जानकारी सुनना चाहते हैं, तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, श्योर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।